सारे भाई ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं आज आया हूँ कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में बड़ी ज़बरदस्त टक्कर है, बड़ा हाई प्रोफाइल जगह बनती जा रही है कुरुक्षेत्र। अभी मैं JJP के कार्यालय में हूँ, और यहाँ पर JJP से जो टिकट मिली है, जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो DD शर्मा जी, मैं उनके पुत्र श्री रूबल शर्मा जी के साथ हूँ, और उनसे दो चार बातें पूछ लेता हूँ कि क्या कुछ हलचल चल रही है। राम राम भाई जी। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी? बढ़िया भाई साहब। सर कंपटीशन बड़ा टफ हो गया है अब, और इलेक्शन के भी दो हफ्ते भी नहीं रहे, तो क्या कुछ चल रहा है सर, कैसी तैयारियां चल रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है जी। कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार को कैंडिडेट दिया है, मेरे वो पिताजी हैं, उनका नाम जय भगवान शर्मा DD जी है। पिछला चुनाव हमने पेहवा से लड़ा था, और जो भी कैंडिडेट आए हैं वो सब पार्टियों की, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, सब भारी उम्मीदवार हैं। उनको यहाँ की कोई ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे आ गए हैं घूमने के लिए, आए हैं 10 दिन के लिए, चुनाव लड़ के फिर चले जाएंगे ना। वो आज तक यहाँ किसी भी पूरे हलके की जनता से आप पूछ सकते हो, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, किसी से मिल नहीं पाए। हम लोकल उम्मीदवार हैं, जनता के बीच के उम्मीदवार हैं, उनके अपने उम्मीदवार हैं। ये तो प्लस पॉइंट होगा आपके पास। ये तो है जी, ये भगवान की ही कृपा हुई है। अभी क्या, मैं दूसरी पार्टियों से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं BJP की लहर है, ये थी वो थी। अगर लहर थी तो किसी स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देते? क्या जरूरत थी एक मंत्री को दोबारा चुनाव लड़ाने की? एक आदमी ऑलरेडी विधायक है, आप उसको चुनाव लड़ा रहे हो, वो नारायणगढ़ से है, आपकी इतना टीम है, आपका भी इतना बड़ा सिस्टम है, आप वहाँ के लोगों से पूछ सकते हो। वो आदमी वहाँ कुछ नहीं कर पाए तो थनेसर की जनता और इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए क्या कर पाएंगे? तो सर अभी सीधी सी बात, आपका किस पार्टी के साथ कॉम्पिटिशन है? हमारा कॉम्पिटिशन तो जी डे बाय डे, हमें तो ऐसा लगता है कि जनता ने हमें हाथों में उठाया है, और जल्द ही यहाँ पे केजरीवाल जी और दुष्यंत जी का एक बहुत बड़ा भव्य रोड शो होने जा रहा है। बाकी तो चलता रहेगा सब, लेकिन डे बाय डे हमारा चुनाव उठता जा रहा है। नौ की नौ जगह, चाहे वो रादौर हो, लाडवा हो, शाहबाद हो, थानेसर हो, पेहवा हो, गुला हो, कल्यात हो, कैथल हो, पुंडरी हो, हमारे कार्यालय खुल गए हैं, हमारी वर्कर सारी टीमें एक्टिव हो गई है। और ये तो आप सभी बता पाएंगे या जनता जनार्दन बता पाएगी भी किसका मुकाबला किससे होगा। हमें तो चुनाव बहुत अच्छा लग रहा है, और हम बहुत ही खुशी और हौसले के साथ आप जैसे पत्रकार छायाकार बंधुओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से चुनाव को बहुत अच्छे मैनेजमेंट तरीके से लड़ने जा रहे हैं। सर एक बात बताएं, आप किस बेस पे लोगों से वोट मांग रहे हैं? कुरुक्षेत्र में क्या कमी रह गई जो BJP के यहाँ पर MP साहब थे या MLA हैं, मतलब किस बिना पर आप वोट मांग रहे हैं? भाई हमें वोट दे, क्योंकि यहाँ पर BJP के पहले से हैं और अब इलेक्शन भी है, तो क्या कमियां दिख रही हैं आपको कुरुक्षेत्र में जो नहीं हुई पूरी? सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का मुद्दा है। सरकार कहती है हमने डी ग्रुप में ये करा वो करा, वो सब चीज़ें आपके आगे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे गीता जयंती होती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है एक भव्य आयोजन है, लेकिन उसमें जो स्थानीय विधायक हैं या सरकार के आदमी मिली भगत करके करोड़ों रुपये खा जाते हैं। आज से पहले भी मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे, आप की टीम भी आती थी, वो लोग कहते थे जी मोदी मोदी मोदी। अगर मोदी इतना था तो विकास कहाँ गया? एक चलता पानी आना था जो ज्योतिसर से ब्रह्म सरोवर तक आना था, आप उसका हाल दे सकते हो। ये कुरुक्षेत्र मेन रोड है, इसका हाल दे सकते हो। मेरा खुद घर सेक्टर 5 के अंदर है, विधायक ने और BJP के लोगों ने, हम भी BJP के साथ थे, हमने चुनाव लड़ा। आप एक तरफ उनको बिठा लो, मैं खुली बहस चुनौती उनको देता हूँ, वो एक मंच पर आ जाए, मैं उनसे करने के लिए तैयार हूँ। हमारी सड़क का हाल देख लो, विधायकों ने अपनी ब्लॉक की फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं, ये आम जन की आवाज़ है। सिर्फ प्रेशर के अंदर जो मौके के सरपंच या MC है उनकी मजबूरी है, ये सरकार के लोग उनको बुला रहे हैं और दबाते हैं, उनसे काम लेते हैं, लेकिन उनकी जनभावनाएं, जो लोकल उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार DD शर्मा जिनका चप्पल का चुनाव चिन्ह है, जो जननायक जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। और हमारा मेन मुद्दा रोजगार, और देखो यहाँ से जिंदल साहब पहले MP रहे, उनके फादर MP रहे, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं वो लगा पाए, इतना बड़ा स्टेशन था। हम भी उनके साथ थे, हमने रिक्वेस्ट करी, वो बोले जी यहाँ तो मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी, उन्होंने अपना मतलब फ़ायदा देखते हुए दूसरी जगह फैक्ट्रियाँ लगाई। तो जैसा समय आएगा, अगर जनता जनार्दन ने मौका दिया, तो 5 साल बाद जो हमारा रिपोर्ट कार्ड आएगा वो ज़्यादा बता सकेगा कि हमने क्या किया। हमारे मन में इच्छाएं हैं रोज़गार की, इंडस्ट्री लाने की, और भी हल्के में ज़्यादा से ज़्यादा
चीज आए, जैसे दुष्यंत जी ने हिसार के अंदर पासपोर्ट बनाए, आरओ लगवाए, जो भी सिस्टम हो पाया वो हम हर चीज अपने नेता की तरफ से देखते हुए पब्लिक की डिमांड के हिसाब से हर मांग को अंदर, हर मांग को संसद के अंदर उठाएंगे। तो जी ये तो खुला चैलेंज आपने दिया है भाई, आपके साथ खुली बहस पे बिल्कुल हम वो खुली बहस जरूर करेंगे। बिल्कुल हम तैयार हैं उसके लिए, मैं खुद तैयार हूँ। अगर पिताजी पे उस दिन कहीं मतलब लोकसभा के अंदर प्रोग्राम ना होए तो वो आएंगे, कोई भी उनका नेता आ जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर खुद आ जाए, मैं उससे उम्र में जरूर छोटा हूँ लेकिन मैं खुली बहस हर तरीके से। हमने पेहवा से भाई साहब चुनाव लड़ा, 10 दिन के अंदर 40,000 वोट लिए थे, जब कभी पिछले चुनाव के अंदर वहाँ सिर्फ कुल 22,000 वोट पड़ी थी और तब हजका साथ में थी, आप वहाँ से भी हमारा रिपोर्ट कार्ड पता कर सकते हैं। और हम जिस भी चीफ मिनिस्टर के पास रहे, कोई हमारी मतलब चद्दर पे एक पैसे का दाग अगर कोई लगा दे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, हमारा ये भी खुला चैलेंज है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगा दे, जो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र का विधायक है वो उसका कमेटी पर भी कब्जा है, लोग कहते हैं परिवारवाद नहीं करते, आप खुद देख लो, घरवाली उसकी अपना चेयरमैन वो विधायक, एमसी बनी उसकी घरवाली, 1900 वोट का वार्ड अपने आप बना लिया, यूनानिमस बन गई, क्यों नहीं चुनाव कराया। आज हम चुनाव के अंदर आए हैं, टिकट हमारी सबसे लास्ट में अनाउंस हुई, आप देख सकते हैं 9 की 9 जगह दफ्तर, हर काम सुचारू रूप से चल गया है। डेली जय भगवान जी, डीडी शर्मा जी 20 से 30 गांव में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है, कहां पर आपको ये लग रहा है लोग कहीं ना कहीं आपको नेग्लेक्ट भी कर रहे हैं, नकार रहे हैं, कहीं ऐसा लग रहा है समर्थन? नहीं, कितना ऐसा है? बिल्कुल नहीं लग रहा, लोगों ने तो बिल्कुल हाथों में उठाया, लोगों की खुद जन भावनाएं, आप हमारे फोन देख सकते हो, आप हमारी फेसबुक आईडियां देख सकते हो, कहीं से भी आप पता कर सकते हो। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए गुला हल्के से, कल हमारे रदौर से थे, आज सुबह से शाहबाद के चल गए हैं जी। 4 तारीख तक, पहले ये 3 तारीख तक 9 के 9 हल्के कवर हो जाते, एक दिन बीच में रोड शो आने की वजह से ये 4 तारीख तक हर चीज़ कवर हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल चुनाव खड़ा हो जाएगा। और डोर टू डोर हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी के साथी, तो आज मैं एक वार्ड के मुझे साथी मिले, वो बता रहे थे भी जो वार्ड में इन्होंने हमारे वाल्मीकि भाई हैं उनको पर्चे दे दिए भी तुम घर घर जाकर दो, आप इस बार, हम इस बार इस बात की भी पुष्टि करते हैं अगर ये बात झूठ हो तो हम आप जो आप हमारा दंड लगाओगे वो भी देने के लिए हम तैयार हैं। तो जी अंतिम प्रश्न, हमारे युवाओं को, माताओं बहनों बुजुर्गों को क्या संदेश देना चाहोगे, अंतिम प्रश्न? मेरी तो देखो युवाओं से तो ये दरख्वास्त है, जो भी हमारे भाई साहब ने, दुष्यंत भाई साहब ने, युवाओं ने ही दुष्यंत भाई साहब को प्रेशर देके जननायक जनता पार्टी को खड़ा कराया, और दुष्यंत जी की माताजी श्रीमती नैना चौटाला जी के हरी चुनरी के चौपाल के प्रोग्रामों के तहत उन्होंने भी महिलाओं को जागरूक करने का काम करा। हमारी लोकसभा के अंदर 6 हरी चुनरी चौपाल हमने कराई, हमारी गुला हल्के के अंदर भी हुई, कैथल में भी होगी, अपना कल्यात के अंदर भी हुई, लाडवे में भी होगी, रदौर में भी होगी, 3 लोकसभा में 3 हल्के इस वजह से रह गए, एकदम चुनाव आ गया। तो युवाओं की सरकार है, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, मैं भी कोई योग्यता के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन मैं ये भी कहता हूँ जो आदमी दरी बिछाता है, जो आदमी डोर टू डोर करता है, ठीक है उसको आप कहीं अच्छी जगह नहीं लगा सकते लेकिन जो उसका हक है वो तो दिया जाए। तो किस लिए जलसे जुलूस होते हैं, किस लिए रोड शो होते हैं, किस लिए रैली होती है, फिर तो कंप्यूटर से ही वोट डलवा दो। कोई भी सरकार योग्यता के खिलाफ नहीं रही, जो बीजेपी ढिंढोरा पीट रही है, ये कहते हैं हमने भ्रष्टाचार नहीं करा, दबी जुबान में एक बात सामने आती है भी जितना पैसा इनके मंत्रियों ने खाया, चाहे नायब सैनी ने खाया, चाहे करण देव कंबोज ने खाया, चाहे कंवरपाल गुज्जर ने खाया, माइनिंग के अंदर जितना पैसा ये लोग खा गए इतना शायद ही किसी ने खाया हो। और जो पहले भी लोकसभा का उम्मीदवार नारायणगढ़ से मिला था कुरुक्षेत्र की जनता को, जो जाति पाति का जहर उन्होंने फैलाया, 3-3, 4-4 बार हरियाणा को जलाया गया, अब फिर सेम स्थिति है, सरकार तो इसी काम में उलझी रहेगी, लड़वा भी वो रहे हैं, फायदा भी वो उठा रहे हैं। तो जनता को भी इस बात को समझना होगा, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमारी जननायक जनता पार्टी के अक्टूबर के अंदर सरकार बन जाएगी, तो जितना भी हो सका बुजुर्गों के लिए हर तरह का समन्वय बना के दोनों पार्टियों के सिस्टम से एक नया हरियाणा पेश किया जाएगा, जिसका उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो उनकी सरकार चल रही है उसमें भी जो कोई अगर प्लस आएगा, चाहे वो स्कूल के काम थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स के काम थे, हर चीज़ आपको प्लस में नज़र आएगी। मैं तो जनता जनार्दन से, कुरुक्षेत्र हलके के लोकसभा के युवाओं से, माता बहनों से, बुजुर्गों से, सभी समानी साथियों से एक बात कहता हूँ कि चप्पल का चुनाव चिन्ह फैसला आपका है, लोकल आदमी जो आपके सुख दुख का साथी रहा, एक आदमी जिसने चक्की चलाते हुए अपने आप को यहाँ तक स्थापित करके दिखाया,
आप सबके बीच में है, फैसला आपका, जो भी जनता का फैसला होगा वो हमें सिर माथे है। ये बाहरी लोग हैं, सिर्फ ये चुनाव लड़ने आए हैं, और चुनाव लड़ के आप भी समझते हैं फिर अपने घर को चले जाएंगे। जी जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू, मेरे पास क्वेश्चन बहुत थे लेकिन एक दो ही पूछ पाए क्योंकि लगातार जवाब दे रहे थे हर बात का, और इतना कॉन्फिडेंस और इतनी बुलंद आवाज़, पीछे देखे को नया कर दी भाई, कितिया ना कितिया सच्चाई हुआ है जब इतना अंगा लग गया है और दिल की आवाज़ निकला है। अपनी के कुछ राय बच नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद भाई।